आज मैं भैया और दीदी के साथ जा रही हूँ थोड़ा सा मंदिर में, और वो मंदिर बहुत ही सुंदर है, भैया ने ऐसे बोला है, क्योंकि मैं वहाँ कभी गई नहीं हूँ तो मंदिर के बारे में मुझे इतना पता भी नहीं है, और उनका नाम भी अभी जाते जाते मैं रास्ते में आपको बताती हूँ भैया से पूछ के। तो फिर चलिए फिर चलते हैं। सकते हैं आप लोग, गाड़ी की पूरा लाइन पार्किंग की जगह नहीं है, तो इस तरह से रोड के साइड पे ही गाड़ी रख के हमें जाना पड़ेगा। और वो वाला है हमारा गाड़ी, अभी वहाँ से निकल रहे हैं सब लोग, और यहाँ से पैदल पैदल होके हमें वो ऊपर तक चढ़ाई करके जाना है। तो अभी चलते हैं, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को ऊपर से भी यहाँ का व्यू। तो यहाँ से अभी चढ़ाई करने हैं, तो अभी हम लोग कर रहे चढ़ाई। यहाँ का एक पेड़ दिखे, बहुत ही सुंदर है। स्टार्ट होते हैं सीढ़ी, तो ये चढ़ाई कर लिया हम लोगों ने, अभी जा रहे सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के। तो मेरे पीछे और मैं आगे आगे क्या कर रही हूँ, देखिए ये है कायलाना झील। चिड़िया का घर, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे चिड़िया के लिए दाना रखते हैं, जो भी लोग आते हैं थोड़ा थोड़ा करके दाना रखते हैं, और साथ में पानी भी रखते हैं ऐसे चिड़िया के लिए। बहुत ही सुंदर है, और लोगों की बैठने के लिए भी बनाया हुआ है, ताकि लोग चराई करने में थकते हैं तो यहाँ पे बैठ के आराम, थोड़ा सा आराम करके जा सकते हैं ऐसा। देखिए थोड़ा थोड़ा मंदिर दिखाई दे रहा है, तो हमें वहाँ तक जाना है चढ़ाई करके। देखिए ये मंदिर के बाहर लिखी हुई है, ओम नमो नारायण श्री दादा दरबार, तो इस नाम से ये मंदिर है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका नाम है नेपाली बाबा बोल के भी बोलते हैं, तो अभी ऊपर जाने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पे पहली बार ही आई हूँ आज। सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग आगे, और सीढ़ी से ऊपर आने के बाद देखिए मैं तो थक गई हुई, चढ़ाई करके आने के बाद थक गई तो बस अभी जा रही हूँ, और आप लोगों को मैं मंदिर जाके मंदिर का भी दर्शन करवाती हूँ, और वहाँ से भी व्यू दिखाती हूँ। बाकी इतना छोटे छोटे बच्चा भी चढ़ाई करके आगे मेरे पीछे थे, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे हम लोग, हम भैया लोग आए हैं गाजर केला ये सब देने के लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ। विधि बनाना दे रही है यहाँ पे, ये देखिए गाजर चाहिए था कुछ खाई।
होटल पहुंचे हम लोग। कौन से वाले, वो छोटे वाले? ये छोटा वाला बच्चा बिस्किट खा रहे। नहीं नहीं, जुम कर रही हूँ ना। ओह कितना मजे से खा रहे। मंदिर से आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जूता और चप्पल रखने के रैक मिल जाएगा। और इस मंदिर का एक बात यह भी है कि यहाँ पे सॉक्स और चमड़े की चीज़ नहीं लेके जा सकते, इसके लिए लोग यहाँ पे अपने पेंट का बेल्ट उतार के यहाँ पे रख दिया है। और इस मंदिर को नेपाली बाबा के मंदिर से भी जाना जाते है। देखिए दीवार पे इस तरह से ड्रॉ करके रखा हुआ है। और मेरे ख्याल से अभी आरती शुरू हुई है। और बहुत ही अच्छी की बात है कि हमें आरती भी मिलेगी अभी, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि मंदिर में जाते हैं तो आरती के समय सुबह और शाम को होते तो ठीक ठीक समय जा नहीं जा पाते। तो देखिए, हर हर महादेव महादेव आप सबकी मनोकामनाएँ पूरी करे। अभी जल के अंदर चल के लेते हैं आरती की। तो देख सकते हैं यहाँ से हम लोगों ने आरती पूजा करके निकल के अभी बाहर जा रहे हैं। और बाकी बहुत ही अच्छा है, आप लोग यहाँ आने से ज़रूर आइएगा, जोधपुर आने से इस मंदिर में ज़रूर आइएगा। अभी हम लोग मंदिर के अंदर से आके और एक दूसरे मंदिर के में मतलब जा रहे हैं। और इस जो शिव जी का ये मूर्ति बना हुआ है उसके नीचे ही नेपाली बाबा का गुफा है। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आके वो लोग उस गुफा में वो तपस्या करते थे, इसके लिए अभी उधर जा रहे हैं। यहाँ पे आयान दीदी और भैया उतर के गए, तो मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। वाकई ही बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे देखिए नेपाली बाबा की गुफा के ऊपर है ये शिव जी का मूर्ति, इस तरह से बनाया हुआ है। ओके, वाकई बहुत ही सुंदर है। तो अभी चली चली जाएंगे नीचे, क्योंकि अंधेरा होने भी आ रहा है। नेपाली बाबा की गुफा में लेके जा रही हूँ, और मैं भी आज पहली बार जा रही हूँ और आप लोगों को भी लेके जा रही हूँ। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा होने वाला है लंबा, क्योंकि मैं पूरा वीडियो कवर करने की ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप दिखाती हूँ मैं आपको गुफा। और यहाँ पे होते हैं उनकी तपस्या करते थे, आपको मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा बेक करके भी। आगे मैं ऊपर। तो मंदिर में ये है नेपाली बाबा के मंदिर जाने का द्वार ये, और उस साइड से है एग्जिट का द्वार, और इसके अंदर ही है उनकी एक फोटो बना रखा हुआ है। और वहाँ पे लकड़ियाँ जला के रखा हुआ है। Thank you.
लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी मेरी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।